आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ और टोरंटो के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि स्ट्रेट होता क्या है। स्ट्रेट एक ऐसा संकरा समुद्र का हिस्सा होता है जो कि दो समुद्रों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। तो स्ट्रेट ऑफ और टोरंटो एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी से कनेक्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ और टोरंटो का नाम इटली की सिटी और टोरंटो पर पड़ा। स्ट्रेट ऑफ और टोरंटो इटली और अल्बानिया को सेपरेट करता ही है और साथ ही ये इटालियन पेनिनसुला को बाल्कन पेनिनसुला से भी सेपरेट करता है। पेनिनसुला एक ऐसा लैंड एरिया है जो कि अधिकतर समुद्र से घिरा हुआ होता है। स्ट्रेट ऑफ और टोरंटो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है और सदियों से मेडिटेरेनियन सी से एड्रियाटिक सी तक के सभी ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल करता आ रहा है। यहाँ का शिप ट्रैफिक फ्लो भी बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है जो कि इस क्षेत्र को और भी ज़्यादा संवेदनशील बना देता है। स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो की इंपॉर्टेंट साइट्स हैं ओट्रांटो, कास्ट्रो, सांता मारिया ऑफ ल्यूसा, पोत्रो वादिस्को, एलिमिनी लेक्स, एस सेसारिया तेरमे, तोरे डेल ओरसो जो कि इटली में है। बाकी जो दो साइट्स अल्बानिया में पाई जाती हैं उनके नाम हैं साजन आइलैंड, बे ऑफ ब्लोरा। स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो की चौड़ाई अल्बानिया के द केप ऑफ गुहेज, काराबुरून और इटली के पुंटा प्लासिया के बीच 72 किलोमीटर से भी कम है, जिस वजह से वर्ल्ड वॉर वन में एलीड ग्रुप जिसमें शामिल थे फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान, कनाडा और यूएस को काफ़ी फ़ायदा मिला था। द सेंट्रल पावर जिसमें शामिल थे मेनली जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की का सामना करने में। वर्ल्ड वॉर वन में एलीट ग्रुप नेवी ने लाइट नेवल फोर्सेस और लाइट आर्म्ड फिशिंग वेसल्स की मदद से स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो को इटली के ब्रिंडसी से एड्रियाटिक सी के ग्रीक साइड पे स्थित कोरफू तक ब्लॉक कर दिया। इस ब्लॉकेज से ऑस्ट्रो हंगरियन नेवी के सरफेस शिप्स को मेडिटेरेनियन सी में भागने और अपने मित्र देशों का ऑपरेशंस को खतरे में डालने से रोका जा सका, पर कोटोर में बेस्ड सबमरीन्स को रोकने में ये ब्लॉकेज नाकाम रहा। इस ब्लॉकेज को ओट्रांटो बैरेज भी कहा जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें।